फोलिक एक बहुत ही एसेंशियल कंपोनेंट रहता है फॉर द बॉडी। इसके कारण बॉडी क्रिएट करती है न्यू सेल्स, रिपेयर करती है आपके डीएनए को और प्रिवेंट करती है सर्टेन बर्थ डिफेक्ट्स। अब बात करेंगे कई फोलिक कंटेंट फूड्स की। सबसे पहले आता है सोया वेजिटेबल स्टर फ्राई। ये एक न्यूट्रिएंट रिच डिलाइट होता है। सोया वेल रिगार्डेड फॉर इट्स हाई फोलिक कंटेंट। इसमें एक सिंगल सर्विंग जो है वो प्रोवाइड करता है अ सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ द डेली रिकमेंडेड इनटेक। इसके साथ साथ सोया जो है वो ऑफर करता है वैल्यूएबल प्लांट बेस्ड प्रोटीन सोर्स, जिससे ये एक एक्सेलेंट चॉइस होता है फॉर अ बैलेंस डाइट। आप एनहांस कर सकते हैं फोलेट के कंटेंट को, जिसमें आप इंक्लूड कर सकते हैं इंग्रेडिएंट्स जैसे कि स्पिनच या फेनुग्रीक लीव्स। आप पेयर कर सकते हैं इस डिश को विद अ साइड ऑफ ब्राउन राइस या होल व्हीट चपाती और क्रिएट कर सकते हैं एक बढ़िया सा होलसम सैटिस्फाइंग मील, जिसमें ये टेस्टी भी होता है और ये हेल्दी भी होता है। दूसरा आता है छोले यानी कि चिक पी करी। ये परफेक्ट कम्फर्ट फूड होता है। आप छोले भटूरे खा सकते हैं, जो कि काफ़ी लोग इसके शौकीन हैं। ये एक और जेम होता है इन द फोलिक एसिड ट्रेजर का चेस्ट। चिक पीस जो है यानी कि छोले जो है वो नेचुरली हाई रहते हैं इन फोलेट, जैसे कि मैंने आपको बताया, जिसमें ये प्रोवाइड करता है 280 माइक्रोग्राम्स पर कप। जी हाँ, जो कि 70% ऑफ द रिकमेंडेड डेली इनटेक रहता है। छोले जो कि एक वर्सेटाइल डिश है, उसको आप सर्व कर सकते हैं विद छोले राइस, आप भटूरे के साथ खा सकते हैं, या आप एक होल व्हीट चपाती ले सकते हैं, जिससे एक बहुत ही बढ़िया मील बनता है पैक्ड विद प्लांट बेस्ड प्रोटीन एंड फाइबर। दूसरा आता है मूंग दाल का तड़का। ये एक बहुत ही अंडररेटेड हीरो है, क्योंकि इसको कंसिडर किया जाता है एज अ हम्बल डिश, लेकिन ये एक फंटास्टिक सोर्स है ऑफ फोलिक एसिड। एक सिंगल सर्विंग में अप टू 40% ऑफ डेली फोलेट रिक्वायरमेंट मीट होता है। मूंग दाल का तड़का जो है, अगर आप इसे कुक करोगे विद क्यूमिन सीड्स, गार्लिक एंड टमेटोज, तो ये बहुत ही कंफर्टिंग होता है, इजी टू डाइजेस्ट डिश होता है और ये हर एक को सूट करता है। अगर आप इसमें ऐड करें अ स्क्वीज ऑफ लेमन जूस ऑन द टॉप, तो ये इन्हांस करता है दी एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन, एक और कंपोनेंट जो एसेंशियल होता है दाल में, और ये दाल में पाया जाता है। आप ऐड कर सकते हैं इसे स्टीम राइस के साथ या किनोवा के साथ, और आप इस मील को बना सकते हैं बहुत ही बढ़िया, जो कि फोलेट पैक्ड रहता है और बहुत ही डिलिशियसली सिंपल रहता है। उसके बाद आता है मेथी थेपला। फोलिक एसिड रिच फ्लैट ब्रेड, जिसको पॉपुलरली गुजराती में थेपला कहते हैं, ये कंबाइन करता है द गुडनेस ऑफ होल व्हीट फ्लावर विथ फ्रेश फेनुग्रीक लीव्स, जो कि काफ़ी नेचुरली हाई रहता है इन फोलिक एसिड। मेथी थेपला न्यूट्रिशियस ही नहीं रहता, लेकिन एक बहुत ही कन्वीनियंट डिश रहता है, परफेक्ट रहता है ब्रेकफास्ट, लंच के लिए और इवन एज अ ट्रैवल स्नैक। यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफ स्पाइसेस, जिसमें इंक्लूड होते हैं टर्बरिक, क्यूमिन, कोरिएंडर, इससे ये फ्लैट ब्रेड्स को एक फ्लेवरफुल किक देता है। अगर आप सर्व करेंगे इसको दही के साथ या अचार के साथ, तो आपको एक टेस्टी डिश मिलेगा जो बूस्ट करेगा आपके फोलेट लेवल्स को, और जब भी आप कोई भी हिंदुस्तानी खाना खाएंगे। क्या कहना आपका इसके बारे में, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। हेल्थ लाइफ को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।